सिटी टीवी पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला जंग के ज़ेर एहतमाम इसराइल की जारियत के खिलाफ एहतजाज मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जंग में रैली का इनेकाद, जिसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कायदीन ने शिरकत की। मुमताज कॉलम निगार मलिक शफकतुल्ला मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। रहमान रहीम, देखें, फलस्तीन के साथ हमारा सिर्फ ये रिश्ता नहीं है कि वो मुसलमान मुल्क है, इससे भी बढ़कर ये है कि जो कुछ इसराइल फलस्तीन में कर रहा है वही कुछ भारत कश्मीर में कर रहा है, और जो भारत के मामले कश्मीर मकबूजा कश्मीर के मामले में हमारा एजेंडा है, अगर हम आज फलस्तीन के ऊपर इसराइल के इस हमले को जायज़ करार दे देते हैं तो हम कश्मीर से भी दस्तबरदार हो जाएंगे। इसलिए ये हमारे शहरक की बात है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बात है। अगर इसराइल बाज नहीं आता और इसी तरह से वो अपने नजायज़ और मजमूम हथकंडों से फ़लस्तीन के ऊपर हमले करता रहता है, वहाँ के मुसलमानों को शहीद करता रहता है, उन पर मजालिम जारी रखता है, तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के एजेंडे में ये शामिल है, ये मंशूर की बात है कि इंशाअल्लाह हम फ़लस्तीन को और दुनिया आलम में मुसलमानों को मजलूमों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं।